लोग यहाँ पर आए हैं, जो घूमने फिरने वाले लोग हैं, वो कहते हैं हमने ऐसी चीज दरख्तों के ऊपर उठ के कोई प्राइवेट सेक्टर पे किसी बंदे ने बना दिया, हमने दुनिया में नहीं देखी। हमारे हमसाए हैं, इनको वादी का इतना खूबसूरत व्यू मुहैया है, हमें क्यों नजर नहीं आता। मैं वापिस आया तो मुझे पता लगा दरख्तों का झुंड हमारे घर के आ गया, वो दरख्तों का झुंड हमारे घर के अंदर है। तो फिर ये ख्याल है कि दरख्तों के ऊपर से व्यू नजर आएगा। तो एक मैंने एक नौजवान को कहा यार ऊपर चढ़ो, वो दरख्तों के ऊपर चढ़ा। मैंने कहा पीछे वादी नजर आती है? उसने कहा जी आती है। तो मैंने सोच लिया इसके ऊपर बनाऊंगा मैं। जब 100 फीट नीचे मैंने अपनी वाइफ को कहा कि इन दरख्तों के झुंड के ऊपर मैं एक डेक बनाऊंगा, वो पूछते हैं वो कैसे उसके ऊपर बनेगा। तो मैं तो क्लियर था, बहरहाल वो कहती हैं कि जब उस वक्त तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये हो जाएगा। यहाँ पर पहाड़ी इलाके में काफ़ी मुश्किल है कंस्ट्रक्शन करना, और इसकी ज़मीन की जो काबिल एतमाद होना वो ज़्यादा नहीं है, सिरक जाती है, स्लाइड कर जाती है। तो मुझे एक ख्याल आया कि ये दरख्त जो खुदा की बनाई एक चीज़ है और जो ज़मीन के बहुत अंदर तक गए हुए हैं, उनमें काफ़ी स्ट्रेंथ है। तो हम क्यों ना जो हम ज़मीन के अंदर हम पाइल करते हैं या फाउंडेशंस लेके जाते हैं, डिग करते हैं, कंक्रीट भरते हैं, इन दरख्तों से हम क्यों वो सपोर्ट नहीं ले सकते? इसकी नोहो नहीं है दरख्तों के ऊपर कंस्ट्रक्ट करने की, दरख्त की स्ट्रेंथ क्या है और आप लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके लिए फिर मैंने दरख्तों पे लोड्स डाले, अप्लाई किए, बहुत हैवी लोड्स डाल के उनको चेक किया, दरख्तों में ड्रिल किए, सुराख किए, तो वहाँ से हर चीज़ कैलकुलेट करके मैं इसको आगे चला और इसको यहाँ तक पहुँचाया जी। हमारा ये ख्याल था कि इसमें कोई 19 चेयर्स हैं जिस पे लोग बैठ सकते हैं, और लेकिन इसमें आदमी हमने अलाउ किए हैं, बाहर बोर्ड भी लगाया है 30 लोग आ सकते हैं इसमें। लेकिन अगर खुदा ना खासा ज़्यादा लोग आ गए तो कितने लोग इस डेक पे आ सकते हैं? तो अंदाज़ा था कि 80 लोग आ सकते हैं। तो इसको 80 लोगों को स्टे सस्टेन करना चाहिए, 200 लोग इस पर आ जाएं तो उसके बाद ये इलास्टिक लिमिट से निकल के प्लास्टिक लिमिट में चला जाएगा, यानी इसमें परमानेंट डेफर्मेशन आ सकती है, शायद गिरे तब भी। डेक को जब मैं बनाना चाहता था तो कुछ चाहता था कि इसमें कुछ थोड़ी सी थ्रिल हो। इनमें से एक चेयर को मैंने काटा, उसके साथ एक आम लगाई और उसके साथ मोटर लगा दी, अब वो चेयर मूव करती है और वो थोड़ी थ्रिल आ गई। ये तमाम गैप्स हमने मैक्सिमम रखने थे ताकि हवा गुजरती रहे, व्यू ख़राब ना हो। लेकिन वो मैक्सिमम क्या हो, क्या इतना बड़ा हो जाए नहीं इसमें से बच्चा गुजर सकता है? वो क्या हो कि जिसमें बच्चा ना गुजर सके? तो मैंने कुछ रॉड्स करके स्कूल के बच्चे छोटे बारीक बच्चों को बुला लिया, इधर टॉफियां रख ली कि बेटे जाकर, तो जोर जोर लगाते थे, जिस सुराख से वो नहीं गुजर सके वो फासला 4.5 इंच था। तो मैंने कहा कि 4.5 इंच के गैप से ज़्यादा हमने नहीं रखना। मेरा ये ख्याल है कि नेचर के अंदर रहना चाहिए और नेचर को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो नेचर में ये दो रंग मौजूद है, एक सब्ज है यहाँ पे रंग नेचर का, और एक ब्राउन है जो मिट्टी का है या दरख्तों के चरणों का है। तो मैं इन्हीं दोनों रंगों में यहाँ पे रहूँ। अच्छा, ये इसको जब बनने के बाद चीज़ें यहाँ पर पहुँच गई, उन पहुँचने के बाद 3 महीने में ये इंस्टॉल हो चुका था। अंदाज़ा यह है कि कोई 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ रुपए कह लीजिए इस पर खर्च हो गए। इसमें बहुत सारी ऑफर्स हुई हमें ड्रामा बनाने वालों की कि जी आप 1 महीने के लिए दे दें, हमने कोई सीरियल बनाना है यहाँ पे और 1 महीने के लिए दे दें, और बहुत हैंडसम लोग ऑफर कर रहे थे। मैंने कहा नहीं सॉरी यार, कि अगर मैं इंजीनियरिंग कर लेता तो मैं ये ना बना सकता, क्योंकि फिर मैं भी वो याद करके आता, पढ़ के आता, सीख के ना आता।